الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, ETA MCQs for the post of PhD, SST, DM, PAT, etc. के साथ हाजिर खिदमत है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन. हर क्वेश्चन के एंड में चार जवाब दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब का इंतखाब करना है. फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है फ्यूल फॉर्म अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड. जमीन के सतह के अंदर फसल फ्यूल जो बनते हैं डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, तो वो क्या कहलाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. ये जो पेट्रोलियम वगैरह जितने भी है और डीजल वगैरह, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस लीस्ट पॉल्यूशन व्हेन बर्न्स. किस चीज के जलने से पॉल्यूशन का अमल कम से कम होता है. तो ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है कोल और ऑप्शन डी है नेचुरल गैस. तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस जो है वो कम से कम पॉल्यूशन कास करता है. हमारे घरों में जो गैस जलाई जाती है ये नेचुरल गैस है. एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑप्शन नंबर ए है द सन, ऑप्शन बी है नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है विंड और ऑप्शन डी है ओशन टाइडल एनर्जी. तो डियर स्टूडेंट्स, सन, द सन इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट हमारे पास है अ सोलर सेल इज मेड अप ऑफ डैश. सोलर सेल किस चीज से, शमसी जो सेल होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है सिलिकॉन. एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है अ सोलर सेल कन्वर्ट्स व्हाट. सोलर सेल क्या काम करता है. हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, या सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. तो डियर स्टूडेंट, सोलर एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास है द फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कौन सा चीज बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है. कैडमियम है, यूरेनियम है, रेडियम है या थोरियम है. तो डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यूरेनियम. यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ फ्यूल. एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है द स्टेट ऑफ कोल विद लोएस्ट कार्बन कंटेंट इज. तो इसका जो सही आंसर है वो है बाई ट्यूमिनस कोल. इसमें कार्बन की जो कम से कम मकदार पाई जाती है. एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस किलोवाट आवर. ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है किलोवाट आवर. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले के जलने से कौन से मसाइल पैदा होते हैं. ऑप्शन ए है एसिड रेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ऑप्शन सी है एश विद टॉक्सिक मेटल इम्प्योरिटीज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम मसाइल कोयले के जलने से पैदा होते हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. अजीज दोस्तों और साथियों, ये था हमारा आज का MCQ सेशन. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. वस्सलाम.